नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ आपकी एआई एंकर आद्या। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। G20 शिखर सम्मेलन में वैश्विक नेताओं की मेजबानी से हफ्ते भर पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में इस समूह की बैठकों पर चीन और पाकिस्तान की आपत्तियों को खारिज किया है। एक इंटरव्यू में मोदी ने कहा कि भारत के लिए अपने हर हिस्से में G20 की बैठकें करना स्वाभाविक है। भारत ने मई में श्रीनगर में G20 वर्किंग ग्रुप की बैठक की थी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना से की है। उदयनिधि ने कहा कि सनातन धर्म का विरोध नहीं करना चाहिए बल्कि उन्मूलन किया जाना चाहिए। बीजेपी ने कहा कि इस बयान से इंडिया का हिंदू विरोधी चेहरा उजागर हो गया। उदयनिधि स्टालिन के बयान से कांग्रेस ने किनारा कर लिया है। उदयनिधि ने बाद में कहा कि मैंने कभी सनातन धर्म का पालन करने वालों के नरसंहार की बात नहीं कही है। इस बयान पर उदयनिधि के खिलाफ एक वकील ने दिल्ली पुलिस में FIR दर्ज कराई है। एक देश एक चुनाव की संभावना पर बनी कमेटी की सक्रियता बढ़ गई है। इस कमेटी के सचिव और कानून मंत्रालय में सेक्रेटरी नितेन चंद्रा समेत कई टॉप अफसर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से रविवार को मिले। बताते हैं, कानून मंत्रालय के इन अधिकारियों ने कमेटी के प्रमुख कोविंद को एक चुनाव के मुद्दे पर जानकारी दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि एक देश एक चुनाव का विचार भारतीय संघ और इसके सभी राज्यों पर हमला है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को हल्के बुखार की शिकायत के बाद दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। एक डॉक्टर ने बताया कि सोनिया को शनिवार शाम हल्का बुखार है लेकिन उनकी हालत ठीक है। डॉक्टरों की एक टीम उनकी सेहत पर लगातार नजर रख रही है। G20 समिट के लिए 3 दिन तक लॉकडाउन जैसे हालात की अटकलों को दिल्ली पुलिस ने खारिज किया है। पुलिस ने बताया कि जमीन से लेकर आसमान तक हाई सिक्योरिटी तो रहेगी लेकिन लॉकडाउन नहीं। नई दिल्ली इलाके में सुरक्षा के लिहाज से कुछ बंदिशें रहेंगी। पुलिस ने नई दिल्ली एरिया में रहने वालों को इस दौरान मेट्रो का उपयोग करने की सलाह दी है। सूरज की स्टडी के लिए शनिवार को भेजे गए भारत के पहले मिशन आदित्य L1 की सेहत पूरी तरह ठीक है और यह सामान्य तरीके से काम कर रहा है। रविवार को पहली बार इसकी ऑर्बिट को बदला गया। अब यह धरती की 245 किलोमीटर इंटू 22 1459 किलोमीटर की ऑर्बिट में आ गया है। अब मंगलवार को फिर से यह एक और छलांग लगाएगा। पलवल से नई दिल्ली स्टेशन आ रही लोकल ट्रेन का डिब्बा रविवार सुबह प्रगति मैदान के पास बेपटरी हो गया। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद ट्रेन को ट्रैक से हटाया गया। इस दौरान कई ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित रही। जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान हीट स्ट्रीक ने रविवार को दुनिया को अलविदा कह दिया। वह 49 साल के थे और लंबे समय से लिवर के कैंसर से जूझ रहे थे। स्ट्रीक की पत्नी नादिन ने फेसबुक पर पोस्ट कर पति के निधन की जानकारी दी। उन्होंने लिखा, रविवार तड़के मेरे जीवन के सबसे बड़े प्यार और मेरे खूबसूरत बच्चों के पिता हम सभी को छोड़ गए। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर महाराष्ट्र के जालना जिले में हुई हिंसा के 2 दिन बाद जिले के SP तुषार दोषी को जबरन छुट्टी पर भेजा गया है। आरक्षण की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज के बाद वहां हिंसा भड़की थी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि ADG लाठीचार्ज की जांच करेंगे। राज्य सरकार मराठा समुदाय को शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में कोटा देने के लिए प्रतिबद्ध है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर जहूर अहमद बट का सस्पेंशन रविवार को रद्द कर दिया। श्रीनगर के सरकारी स्कूल में उनकी फिर बहाली हो गई। आर्टिकल 370 केस में सुप्रीम कोर्ट में पेशी के बाद जहूर को हटा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल को इस सस्पेंशन पर LG से बात करने को कहा था। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।